सितंबर महीने की शुरुआत में अगर आपको बैंक में कुछ काम है तो उसे जल्दी से निपटा लें। वीकेंड, जन्माष्टमी की छुट्टी और उसके बाद आरबीआई कर्मचारियों के 2 दिन के लिए सामूहिक छुट्टी पर चले जाने के चलते बैंकिंग ट्रांजैक्शन समय लगातार 5 दिन की बाधा के साथ हो सकती है। 5 दिन बंद रह सकते हैं बैंक। दिल्ली में 3 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होने से उस दिन बैंकों में सभी काम होंगे, लेकिन NCR और ज्यादातर राज्यों में 5 दिन तक के TM ट्रांजैक्शन और मनी मार्केट संबंधी गतिविधियां बाधित रह सकती हैं। शनिवार को ज्यादातर बैंकों में आधे दिन तक काम होने और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जन्माष्टमी की छुट्टी है। RBI कर्मियों की अघोषित हड़ताल उसके ठीक बाद बुधवार और गुरुवार को शुरू हो रही है। हालांकि बैंक यूनियन साफ किया गया है कि ये हड़ताल RBI कर्मियों की है, ऐसे में बैंक बंद नहीं होंगे, हालांकि उनके कई तरह के काम प्रभावित रहेंगे। RBI कर्मियों की मांग। वहीं बैंकर्स का कहना है कि RBI का पूरा ऑपरेशन ठप होने से FOREX और मनी मार्केट की ज्यादातर गतिविधियां लगभग ठप रहेंगी। बैंक की अल्पकालिक लेना देन भी बंद रहेगा, जिसका असर कैश और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेगमेंट में दिखेगा। कर्मचारियों की मांग में अंशदान आधारित भविष्य निधि के दायरे में आने वालों के लिए पेंशन को अपडेट करना और 2012 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए CPF अतिरिक्त भविष्य निधि का लाभ देना शामिल है। Z News की रिपोर्ट।